हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम जा रहे हैं भाई को लेने के लिए, बागडोगरा आए हुए हैं भाई, तो वहीं पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पूरा रास्ते का व्यू दिखाएंगे आप लोग को, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों आज का ब्लॉग में। तो गाइज, आज का सफ़र बहुत ही लंबा है और देखते हैं। आज का सफ़र बहुत ही लंबा है। आज जाएंगे घर से बागडोगरा सीधा, लगभग 100 किलोमीटर है। तो निकल चुके हैं तो क्योंकि मेरा भाई आ रहा है बेंगलोर से, बड़ा भाई, तो वहीं पे जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ पे। लगभग 3 बजे तक पहुँच जाएगा वहाँ पे भाई मेरा, और अभी टाइम 1 बजने को जा रहा है और निकल चुके हैं। 2 घंटा में 100 किलोमीटर कवर करना है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। आज फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग राइड पे निकले हैं हम, इतना लॉन्ग राइड नहीं किए हैं। वो भी फुल राइडिंग गियर के साथ निकले हैं दोस्तों। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरीके का जगह में, और देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत जगह है। अभी अपना मैं गाड़ी का मोड चेंज कर लिया, सीधा ट्रैक मोड पे कर लिया। ट्रैक मोड पे गाड़ी भगाने का मजा ही कुछ और है दोस्तों।
गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा। पूरा गड्ढा हो के रखा है रोड एकदम, देखते हैं गाइस कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है गाइस। अब यहाँ पे मार्केट आएगा एक, तो मार्केट पार करेंगे, उसके बाद हाईवे पकड़ेंगे, उसके बाद आएगा मजा, फुल पावर ब्लॉक होगा हाईवे के बाद। गाइस अभी अभी स्कूल का छुट्टी हुआ है यहाँ पे, अभी हम लोग हैं सुनथा मार्केट में हम हैं, और अभी महादेव जी की चौक आने वाला है और वहाँ से निकलेंगे। गाइस ये खराब रोड, उसके बाद आने वाला है बढ़िया रोड, आने वाला है उसके बाद, बढ़िया तो है बट उसमें भी काम चल रहा है, तो पता नहीं उसमें भी क्या होगा नहीं होगा। ओवर लाइन का काम चल रहा है गाइस उस रोड में भी, हाईवे में तो हो सकता है कहीं पे रोड खराब हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा शायद, बट कोई बात ना, ये निकल चुके हैं। फाइनली आ गए महादेव देवी चौक, और हाईवे में फुल मजा लेंगे दोस्तों। हाईवे में गाड़ी भगाने का मजा ही कुछ और है, और टेंशन साथ भागते रहो। चले जाता है, कब पता नहीं चलता है। मेन रोड में जो कुत्ता आ जाता है दोस्तों, बहुत परेशानी है, बस एक ही चीज से डर लगता है, कुत्ते से। अचानक से किधर से कुत्ता आ जाता है पता नहीं चलता है। ये देखिए दो दो आगे चल रहा है, देखिए कैसे रोड के किनारे पहुंच रहा है। यहाँ
पे रोड बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे निकलेंगे फुल पावर ब्लॉक करेंगे आज। देखते गाइस ट्रक वाला किसी को कुछ नहीं समझता, किसी को कुछ भी दिक्कत हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर जो होता है ना बहुत ही होशियार होता है। बदनाम तो नहीं करना चाहिए बट ऐसा काम ही कर देता है दोस्तों, बदनाम के लायक तो करना पड़ता है बदनाम। और अभी हो रहा है फुल पावर ब्लॉक, तो हो गाइस 118 120। अभी हवा इतना पकड़ रहा है दोस्तों, इसके कारण गाड़ी को भागने दे रहा है। 122 बस स्टॉप हो गया वहीं से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है उसके कारण उससे आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों गाड़ी। और यहाँ थोड़ा है रोड खराब, ऑफ रोड जैसा मामला है यहाँ पे, कोई बात नहीं, फिर भी लगभग लगभग ठीक ठाक है, गड्ढा नहीं है तो मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। गड्ढा नहीं होना चाहिए रोड पे, बस गड्ढा रह जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ओहो गाइस यहाँ पे है बड़ा बड़ा दो गड्ढा, तो कोई बात नहीं, हमारा तो बाइक है, बाइक किधर से भी निकल जाता है तो टेंशन का कोई बात नहीं है गाइस। और फिर यहाँ एक बार और मौका मिला है फुल पावर ब्लॉक करने का। ओहो कहीं कहीं पे रोड बहुत ख़राब है गाइस। और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी क्लियर कर दिया है, मतलब रोड हर जगह चालू रखा गया है, रोड को कहीं पे भी क्लोज नहीं किया है, अच्छी बात है। हाईवे है तो क्लोज करने से होगा भी नहीं, और हर जगह चालू है तो मतलब गाड़ी रुकता नहीं है, पार कर जाता है। गाइस फुल ट्रैफिक लगा हुआ है बहादुरगंज में, और देखते हैं
कितना टाइम में मौका मिलता है। बहुत ज्यादा रोड खराब है गाइस। इतना रोड खराब हो जाएगा तो फिर तो 3 घंटा लग जाएगा हमको बागडोगरा पहुंचने में। है थोड़ा सा रोड खाली और यहाँ खाली का मजा लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको भी जल्दी पहुंचना है। पावर ब्लॉक होगा आज भाई, कोई टपक मत जाइयो किधर से, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। गाइज यहाँ पे लग रहा है हमको 4 लाइन का बिल्कुल अलग अलग बना के रखा है, साइड से भी बनाया है और बीच में तो 2 हाईवे है। गाइस यहाँ पे डाइवर्शन बना के रखा है नीचे से, ऊपर से नहीं बनाया है, नीचे से बनाया है, क्योंकि दोनों रोड को खोद के दिया गया है। ओह गाइस मतलब पूरा रोड ही खराब है, देखते हैं कहां कहां तक खराब मिलता है हमको। पूरा खराब मिलेगा है क्या, पूरा रोड खराब है दोस्तों।
भगाने का तो भगा देंगे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर डर लगता है क्योंकि इस रोड पे है बहुत ज़्यादा गड्ढा गुड्ढा है, तो दिक्कत हो रहा है गाइस। और फिर भी जहाँ जहाँ अच्छा दिख रहा है, प्लेन वाला रोड दिख रहा है, तो वहाँ तो थोड़ा सा तेज़ी कर लेते हैं, नथा भीड़ भाड़ में वैसे हम ज़्यादा तेज़ी नहीं चलाते हैं, लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। खाली रहेगा तो ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो घर पर वाला काम नहीं करना है, चाहे किसी को हो जाए। लेकिन गाइस प्रॉब्लम तो ये है गाइस कि यहाँ से हमको लगता है पूरा रोड ही ख़राब होने वाला है आज। इससे अच्छा तो हम 31 से गुजर जाते, किशनगंज होता हुआ गुजर जाते तो इससे अच्छा मिलता हमको। और 1 साल 6 महीने की बात है, ये भी हो जाएगा क्लियर, उसके बाद आएगा मज़ा, फुल पावर ब्लॉक होगा गाइस। मैं भी देखूंगा साकरस के सो गाँव, पता नहीं ये कौन सा गाड़ी है, ट्रक है, इसी से होता है रोड ढलाई गाइस, कितना बड़ा बड़ा मशीन है, बिल्कुल बराबर ढाल के जाता है। और ये इस बार पूरा रोड जो है सीमेंट वाला रोड बन रहा है, इस बार इधर उधर वाला काम नहीं हो रहा है, पूरा हेवी काम हो रहा है, बहुत तगड़ा। और लगभग 14-15 इंच मोटा ढलाई करता है, तो बहुत ही हेवी डालता है। बस गाइस फुल पावर ब्लो, मजा आ जाएगा आज का व्लॉग में दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं लोहागरा मार्केट, और यहाँ पे भी ब्रिज बनाया जाता है, अंदर से पुल टाइप का बनाएगा, और लगभग हर मार्केट में ही ऐसा कर दिया है, जहाँ पे भी बड़ा बड़ा मार्केट है
ऊपर से हर जगह ऊपर से रोड बनाया गया है और ऊपर से रोड बना करके नीचे से छोड़ दिया गया है रास्ता के लिए ट्रैफिक के वजह से। ऐसे में क्या होगा कि भीड़ भाड़ बहुत कम होगा और यहाँ पे थोड़ा रोड मिला है खाली, लेकिन रोड है खराब तो ज़्यादा लंबा मौका नहीं दिया गया है गाड़ी भगाने का। ओह गाइस, माय फेवरेट कार फॉर्च्यूनर। अब आने वाला है पौवाखाली मार्केट। तो गाइस, इस पुल का हमको समझ में नहीं आया क्या सिस्टम है, लेकिन अप डाउन है थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अप डाउन है दोस्तों। वन साइड में है दबा हुआ है, लेकिन क्या पता इंजीनियर का काम है, इंजीनियर जाने उसका काम जाने, हमको अपना रास्ता चलने से मतलब है। नज़र में आया तो बोल दिए, नहीं तो बोलते भी नहीं। गाइस, कहीं भी कुछ भी नज़र में आओ, दिल में आए बोल लो। तो गाइस, आज का राइड पे बहुत ज़्यादा डाइवर्शन मिल रहा है, क्योंकि इधर से बहुत दिन बाद गुजर रहे हैं हम, मतलब 2-3 महीने के बाद। तो 2-3 महीने पहले जो आए थे तो इतना डाइवर्शन नहीं था, बट अभी बहुत ज़्यादा डाइवर्शन बना दिया गया है। ये ब्लॉग हो सकता है बहुत लंबा हो जाए। अच्छा बरो, ये पता नहीं कौन सा पुला है, लेकिन इसका कंडीशन लगभग ठीक ठाक है। और साइड में एक और बन रहा है, क्योंकि रोड जो चौड़ा हो रहा है तो उसके कारण डबल रोड के लिए डबल पुल चाहिए। और पता नहीं ये कौन सा जगह है।
आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी अंदर से बन रहा है। अंदर से ही रास्ता बनेगा हर जगह, हर जगह मार्केट में, क्योंकि बाहर से कितना ट्रैफिक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सर घर में कहाँ लिखा हुआ है? गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा रिवर है। ये नदी तो बहुत बड़ा लगता है देखने में, बरसात के दिन इनका पावर बहुत ज़्यादा होगा शायद। अभी तो शांत बैठा है, लेकिन हो सकता है बरसात में इसका पावर हो जाए, क्या पता। अभी रेलवे लाइन बन रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं छोटा छोटा मकान जो रेलवे स्टेशन है। ये है पावाखाली मार्केट शायद, नहीं गाइस ये पावाखाली नहीं है, ये दूसरा मार्केट है। पावाखाली मार्केट बहुत आगे है यहाँ से, लेकिन रोड को काट दिया गया है जिसकी वजह से पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या है नहीं है। देखिए कितना बड़ा बड़ा डाइवर्शन है, गड्ढा है, कुछ भी हो सकता है गाइस इस सब रोड में। तो गाड़ी इतना ही सब रोड में तेज चला है जितना कंट्रोल हो सकता है। और अभी वैसे भी हम लोग जा रहे हैं रॉन्ग साइड से, क्योंकि दूसरा साइड क्लियर नहीं हुआ है, तो इस रोड में बहुत हिसाब से चलना पड़ेगा। रॉन्ग साइड चल रहे हो तो रोड पे तो यही मजा है हाईवे पे, 100 पार लगभग जगह में 100 पार रहता है बाइक। और हर जगह ऐसा ही होगा, देखिए कितना फिनिशिंग साथ यहाँ पे किया गया है काम को, और नीचे से रास्ता दिया गया है और हर जगह ऐसे ही रास्ता दिया जाएगा। और ये सब घर पूरा नीचे चले गया है दोस्तों, पूरा डाउन हो चुका है। और यहीं से जाएगा रेलवे लाइन, बगल से होता हुआ जाएगा हाईवे का, बगल से रेलवे लाइन भी आएगा। तो जब दोनों चालू हो जाएगा तो और भी मजा आने वाला है। लेकिन थोड़ा यहीं पे क्लोज है, बाकी तो सीधा है, चल जाएगा सीधा सिलीगुड़ी।
100 पार करने में टाइम ही नहीं लगता है, 5-6 सेकंड में आ जाता है 100। तो गाइस अभी हम रुके थे यहाँ, मेथी नदी है एक तो यहीं पे रुके थे मेसी नदी का पास, थोड़ा रुक करके आराम किए, 10 मिनट रुके, उसके बाद फिर हम निकल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा नदी है, बरसात का टाइम में तो यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, जितना भी नीचे टाइप का घर मकान है सब में पानी घुस जाता है दोस्तों, ये सब घर में पानी घुस जाता है, बरसात के मौसम में बहुत दिक्कत है यहाँ के लोगों को। गाइस पहले हैंड ग्लव्स लगा लेते हैं क्योंकि हैंड ग्लव्स जरूरी है, हाईवे के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। फिर से होगा गाइस फुल पावर ब्लॉक, क्योंकि बोल बोल करके ना सांस अटक जाता है। अगर किसी को लगता है कि मोटर ब्लॉगिंग करना आसान है तो गलत फहमी में जी रहे हैं वो लोग, करके देखिए, क्योंकि यहाँ खुद से बात करना पड़ता है गाइस, कैमरा से बात करना पड़ता है, आप लोग से बात करना पड़ता है, सामने नहीं हो लेकिन अकेले में आप लोग से बात करना पड़ता है, तो इसी वजह से टफ है, बल्कि मज़ा भी आता है। बाइक का मज़ा तो कभी भी चार चक्का नहीं दे सकता है, चार चक्का का अलग मज़ा है, बाइक का अलग मज़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, इधर से नाला है, बीच में रोड, ऊपर से ओवर ब्रिज टाइप का बना हुआ है, तो यहाँ पे फुल मज़ा है। बाकी थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है रोड में, तो कोई बात नहीं, इतना तो झेल लेंगे, आदत पड़ चुका है इतना झेलने का रोड में चल चल के। पूरा अंधेरा कर दिया गाइस, देख सकते हैं कितना धुल्ला उड़ रहा है, पूरा कपड़ा भी गंदा हो चुका है मेरा। कोई बात नहीं, एक बार मंजिल पार हो जाए फिर कपड़ा भी धुल जाएगा। जगह जगह ब्रिज बना के रखा है गाइस, और देखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे पता नहीं ये कौन सा छोटा वाला मार्केट है, सब रोड जब क्लियर हो जाएगा ना गाइस तो और मज़ा आएगा पूरा, एकदम खाली खाली मिलेगा रोड, वैसे अभी भी खाली खाली है लेकिन कहीं कहीं पे दिक्कत है थोड़ा बहुत।
गाइस फुल पावर ब्लॉग 130 120 हो गया था उसको। बहुत ही मजा आ रहा गाइस, खाली जगह है बिल्कुल, और एक्सलेटर खींच के रखो। और हवा पकड़ रहा है इसलिए नहीं उठाएगा इस, ये लो अभी उठेगा, फुल पावर उठेगा अभी गाइस। हवा पकड़ रहा है तो इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहा है, मैं तो और ज़्यादा जाएगा। लेकिन पावर कम पड़ रहा है इस बाइक का, हाईवे में आने के बाद पता चलता है। बाइक लेके फर्स्ट टाइम इधर आए गाइस, कवाखाली तक तो आए थे, उससे आगे नहीं आए थे गाइस, फर्स्ट टाइम बाइक लेके इधर जा रहे हैं हम। देखते हैं क्या होता है, बट टेंशन की कोई बात नहीं, आराम आराम से निकल लेंगे, प्रॉब्लम है नहीं कुछ। ये पता नहीं कौन सा मार्केट है, हमको भी समझ में नहीं आता है। छोड़ो जौन सा मार्केट रहे, रहने दो, अपने को निकलना है सीधा। कोई बात नहीं, निकल लेंगे इधर से हम। ओहो गाइस, शायद हम आ चुके हैं ठाकुरगंज। ये कौन सा मार्केट है पता नहीं, कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी मार्केट रहे दिक्कत का बात नहीं है, निकल लेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर, और देख सकते हैं यहाँ पे क्या खूबसूरत बना के रखा है, पूरा लोहा का है लेकिन दूर से लग रहा है क्या सीमेंट वाला है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे ब्रिज। और अभी इधर से ही निकलना पड़ेगा हमको, और भाई मेरे रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, पता नहीं क्या काम है जा रहे हैं रोड साइड पे, वही कहेंगे। और इधर से हम लोग आ चुके हैं ठाकुरगंज, रह गया मेरा साइड में, तो ठाकुरगंज तो जाना नहीं हमको। इधर से निकलना पड़ेगा, ठाकुरगंज का थोड़ा सा झलक तो है सिर्फ यहाँ पे,
बाकी और कुछ नहीं दिख रहा है। रोड को खोद खाद करके ऐसा कर दिया ना गाइस, क्या बोलिएगा, बहुत परेशानी हो गया है। अभी ऐसा लगता है गुजरा हुआ रोड से लगता है कभी नहीं गए हैं, जबकि पहले एक बार पार किए हैं इधर हम बहुत पहले, तो अभी लग रहा है क्या कभी नहीं गए हैं, बट कोई बात नहीं। गाइस रोड जो है ना, रोड बढ़िया है, ऐसा रोड मिल जाए ना तो रास्ता कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। खोड़ीबाड़ी कितना दूर है यहाँ से? हाँ 15 किलोमीटर। हाँ ये रोड छोड़ना नहीं है ना? ये रोड छोड़ना नहीं है, सीधा जाना उसके बाद सीधा ब्लू मिलेगा। हाँ बॉर्डर चार रास्ता मिलेगा। अच्छा मिलेगा उसके बाद खोरेबारी है। अभी एक जगह का नाम है खोड़ीबाड़ी, पहले तो वहाँ पहुँचना है, उसके बाद हमको पहुँचना होगा वहाँ से बागडोगरा। रोड बदला बदली बहुत करना पड़ता है इधर।
दिक्कत ये है कि फर्स्ट टाइम बाइक लेके हम आए हैं इधर, इतना दूर बाइक लेके नहीं आए थे पहले। बाइक लेके फर्स्ट टाइम आए हैं, वो भी अकेले आए हैं। क्या कीजिएगा गाइस, काम ऐसा पड़ जाता है ना, तो अकेले भी कहीं भी जाना पड़ जाता है आपको। कोई बात नहीं, झेल लेंगे अकेले में, मुश्किल नहीं है। चेक पोस्ट है सिर्फ और कुछ नहीं है। नाम चेक पोस्ट है, ना चेक है ना पोस्ट है, कुछ नहीं है, बस नाम चेक पोस्ट है। बट हम भी तो देखेंगे चेक पोस्ट में होता है क्या, क्योंकि कभी पुलिस वाले के पास रुका नहीं हूँ मैं, और ऐसा सिचुएशन ही नहीं आया तो रुके भी नहीं है। आज जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कि कोई रोकता है कि नहीं रोकता है। अगर कोशिश हार्ड रहेगा तो रुक जाएंगे, ऐसे नॉर्मल में निकलने का कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रुक जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ये भी नहीं करेंगे हम। चेक पोस्ट तो बहुत सारा है दोस्तों इधर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है इधर। हमको लगता है कि RWB में घुस चुके हैं, पर वहाँ ध्यान नहीं दिए। देखते हैं कि बंगाल में है कि बिहार में है। चलो आगे ध्यान देंगे। 327 NH327 में आ गए हैं। बहुत देर बाद एक ठो बोर्ड मिला है देखने के लिए, भैया ये कौन मार्केट है? मार्केट कौन सा है? भालूगरा खोड़ीबाड़ी इधर बागडोगरा किधर से जाएंगे? बागडोगरा एयरपोर्ट इधर से रोड सही है? रोड सही है, तो गाइस भैया बोल रहा था कि इधर से रोड सही है और नज़दीक भी होगा, तो हम इधर से ही निकल चुके हैं। देखते हैं कितना नज़दीक है कितना दूर है, अभी पता चल जाएगा। बागडोगरा एयरपोर्ट इधर से नज़दीक होगा क्या? कितना किलोमीटर होगा? लगभग 20-25 किलोमीटर तक। तो कंफर्मेशन के लिए एक आदमी को और पूछ लिए, आगे चल के थोड़ा किसी को और पूछ लेंगे, क्योंकि हो सकता है एक आदमी झूठ बोल दे तो सब आदमी तो झूठ नहीं बोलेगा,
इसलिए हम इधर से रास्ता ले रहे हैं गाइस। और ये तो नज़ारा अलग लेवल का है, दोनों साइड पेड़ है, ऐसा लग रहा है कि दुधिया में आ गए हैं, दुधिया पार्क में। और इधर से शॉर्टकट है तो इधर से ही निकलेंगे। ये रोड तो जाना पहचाना लग रहा है, 4 साल पहले गए हुए हैं इधर से एक बार शायद हम, कन्फर्म तो नहीं है, शायद के गए हुए हैं। 2-4 ऐसा जगह मिल जाए जो पहचान में आ जाए तो पता लगेगा कि हाँ कन्फर्म गए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमको कि इधर से गए हुए हैं हम। बाकी रोड उतना भी अच्छा नहीं है, देखते हैं आगे अच्छा हो जाए क्या होता। पूरा रोड तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 20-25 किलोमीटर वो भी बता रहा है भाई लोग, तो इतना पूरा तो अच्छा नहीं हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो लगता है यही है खोड़ी बाड़ी। कन्फर्म यही है। चाचा बाघ डोगड़ा इधर से जाएगा, ये आ गया मार्केट खोड़ी बाड़ी और बागडोगरा इधर से जाएगा, तो यहाँ पे पड़ रहा है क्या WB। ओहो गाइस, गांव देहात में भी कितना अच्छा रोड बना के रखा है। बंगाल हमारा बिहार में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बंगाल में लगभग ठीक ठाक रोड है। फुट ब्रिज भी बना के रखा है गाइस। बागडोगरा यहाँ से कितना किलोमीटर है? बागडोगरा कितना किलोमीटर है? 16-17 किलोमीटर बिल्कुल होगा, ले लो। हम किशनगंज से हैं, तो भाई को तो एड्रेस पूछे बट निकल गया अपना सब्सक्राइबर, सेल्फी लेने में लगे पड़े। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेहनत करो, भाई का ड्रीम बाइक है भाई। तो गाइस राइडर का यही मजा है, कहीं भी जाओ जान पहचान का निकल जाता है एक दो जगह। कोई दिक्कत का बात नहीं, लगभग हर जगह जान पहचान का निकल जाता है। अरे वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, दोनों तरफ चाय पत्ती का बागान और बीच से रास्ता। ओ हो गाइस, कसम से घूमने का मजा ही कुछ और है सब में। देखिए दोनों तरफ चाय पत्ती का बगान है, बीच से रास्ता है और आगे जा रहे हैं मेरे अंकल जी, देख सकते हैं
पता नहीं अंकल है कि क्या है, बट पीछे से तो अंकल ही लग रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन गाइस आगे में खूबसूरत नज़ारा है गाइस, खुले मज़ा वाला रोड है। ये सब जगह पर रहने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए जहाँ भी देखो बस चाय पत्ती का बगान ही नज़र आएगा आपको। अच्छा लगता है ये सब देखने में। इधर का पत्ता कटिंग नहीं हुआ है, इधर का हो गया है, बस धीरे धीरे दो चार दिन में फिर आ जाएगा पत्ता और फिर फुल मजा आएगा देखने में। बट अच्छा लग रहा है गाइस कसम से। बट धीरे धीरे कोशिश करते हैं हम के जितना अच्छा ब्लॉग बन सके सीख रहे हैं, अभी ब्लॉगिंग सीख रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे करते जाएंगे, ऑटोमेटिक अच्छा होगा। हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो रहा है हमारा, तो धीरे धीरे मेकअप होगा वो सब। पता नहीं कौन सा मार्केट है। ओहो गाइस आ गए हम हाईवे पे। भैया एयरपोर्ट कितना दूर है? हाँ 7-8 किलोमीटर। तो गाइस बंगाल वाला हाईवे पे चढ़ चुके हैं और अभी एयरपोर्ट 6-7 किलोमीटर बता रहा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे दोस्तों। यही तो दिक्कत है ये सब रोड में, बकरी गोरू गाय पूरा भरा पड़ा है दोस्तों। बट कोई बात नहीं, गाड़ी तो बिल्कुल मेरा क्लियर है, लेकिन एक तो चीज़ का डर लग रहा है सिर्फ थोड़ा थोड़ा। अब पता नहीं एक्स्ट्रा बल्ब फिटिंग किए हैं तो उसका दिक्कत होगा शायद, चलो जो होगा देखा जाएगा। जब तक एक बार कुछ होगा नहीं तो तब तक हिम्मत भी नहीं खुलेगा, नहीं तो हमेशा ऐसा ही डर बना रह जाएगा दोस्तों। तो पुलिस वाला हाथ देगा तो रोकेंगे ज़रूर इस बार। कहीं पे भी हाथ दे दें रोकेंगे, हर हाल में रोकेंगे, क्योंकि अंदर में जो डर है वो ख़त्म करना है। क्या है नियम कानून इसका? हमको भी पता चल जाए। बट इधर भी देख रहे हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है बंगाल वाला रोड में। ये है सिलीगुड़ी रोड, चाय पत्ती का पूरा बागान लगा हुआ है और देखने में अच्छा लगता है गाइस, पूरा फ्रेश टाइप का लगता है, सुंदर टाइप का लगता है, ऐसा लग रहा है कि पार्क में आए हुए हैं।
ऐसा खाली रोड मिल जाएगा ना तो और मज़ा आएगा। बिल्कुल खाली खाली रोड में चलेंगे, फुल पावर चलेंगे दोस्तों। अच्छा एयरपोर्ट कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, ओ थैंक यू। तो गाइस वहाँ से बता रहे थे 7-8 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से अब 6 किलोमीटर बचा है। 2 किलोमीटर कवर कर लिए हैं तो हमको लगता है कि 2:55 में पहुँच जाएंगे। लेकिन हम इस सब रूट में ज़्यादा गाड़ी नहीं आ पाते क्योंकि ज़्यादा स्पीड नहीं चलाते, क्योंकि क्या दिक्कत है कि हम कभी आए नहीं। क्या स्पीड लिमिट कहीं चालान उलान हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो सकता है, तो हम अपना लिमिट से ही चलेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, सब देखने में जहाँ जहाँ खाली लगता है तो वहाँ तो हम बिल्कुल फुल स्पीड के साथ चलते हैं। यहाँ पे बन रहा है कुछ पार्क टाइप का बन रहा है, आएंगे कभी घूमने फिरने। बस बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं दोस्तों बागडोगरा एयरपोर्ट, और वहाँ तक बाइक जाने देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन देखेंगे चेक करके कहाँ तक जाने देता है। बाकी क्या होगा नहीं होगा आगे देखा जाएगा। हमको तो इधर का स्पीड लिमिट भी नहीं पता, क्या स्पीड से जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। लगा हुआ है बोर्ड पहुंच चुका है पता नहीं, देखते हैं ट्राई करके किधर किधर से रास्ता देता है। रास्ता तो इधर से है उधर उधर से है। ओ गाइस देखिए कितना कितना मशीन आ गया है, पूरा धुआं मार रहा है, पब्लिक को पोल्यूशन फैला रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो गाइस एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं, भाई को बैठाएंगे और चल पड़ेंगे। भैया एयरपोर्ट यही है ना? एयरपोर्ट और रोड से घुसना पड़ेगा, इधर से नहीं देगा? पास नहीं है, पास नहीं है, इधर से तो गाइस पता नहीं इधर से घुसने देगा नहीं, क्योंकि पास है नहीं मेरे पास।
आगे से घुसना पड़ेगा। क्या सिस्टम है यार पता नहीं। कौन सा रूट से घुसना पड़ेगा कोई पता नहीं। तो फाइनली भाई मिल चुके हैं और फिर हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। तो फाइनली हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट से और अभी जाएंगे सीधा घर और कहीं नहीं रुकने वाले हैं गाइस, क्योंकि लेट बहुत हो चुका है मेरा पहले ही और अभी जाना पड़ेगा हम लोग को आराम आराम से। 3:09 हुआ है बट आराम आराम से जाएंगे